हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आईएम का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, आईएम जेई का। इस पर्टिकुलर काउंसलिंग को कंडक्ट करने के लिए आईएम ने जो रिजल्ट दिया है उसी में लिखा हुआ है कि जो है आप आश्रम बिल्डिंग में आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को रैंक में असुविधा हो रही है, सो 00 के बाद जो आपका नंबर लिखा हुआ है दैट इज योर पर्टिकुलर रैंक। अब जो है रैंक के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 100 तक का रैंक है सो आपको किसी भी तरीके से लास्ट में CSBS तक जो है मेन कैंपस में मिल सकता है। 1 से लेकर 10 तक का रैंक है तो आप लोगों को CSE AIML CSE या फिर AI आपको मेन कैंपस में मिल सकता है। इससे ज़्यादा सीट्स ओपन नहीं किए जाते मेन कैंपस में, और जितने भी एक्स्ट्रा सीट्स है वो आपको IEM न्यू टाउन और UEM जयपुर में देखने को मिल जाएगा। तो वो उतना पर्टिकुलर अच्छा कॉलेज नहीं है आज के दिन, बट इसके अलावा IEM न्यू टाउन में अगर CSE ये सब रिलेटेड ब्रांचेस मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों को कोई भी असुविधा हो रही है तो आप लोग जो हमारे एडमिशन टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग में हम लोग स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर काउंसलिंग बहुत ही मुश्किलात दिख रही है। और जो है इसकी काउंसलिंग मेन तरीके से जैसे कि ऑनलाइन में इसकी काउंसलिंग होती है वैसी नहीं हो रही है। और हमारी एडमिशन टीम सिंस IEM के साथ एक MOU साइन कर चुकी है तो आप लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगी एडमिशन के रिलेटेड। और आप हमारे ऑफिस के साथ जुड़े रह सकते हैं या फिर कैंपस में स्ट्रेट जाकर हमारे एडमिशन टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो देयर। सो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके एडमिशन के रिलेटेड। सो ये था पर्टिकुलर वीडियो, और ध्यान रखिए कि काउंसलिंग जो है मेन कैंपस में आश्रम बिल्डिंग में वो करवा रहे हैं, और साथ में जो है IEM न्यू टाउन बहुत सारे स्टूडेंट को पुश कर रहे हैं या फिर UEM जयपुर पुश कर रहे हैं। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप सोच सकते हैं। कट ऑफ के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या जा सकता है कट ऑफ, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज क्राइटेरिया के लिए जो है वो SAP प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें जो फीस स्ट्रक्चर है आपका ओवरऑल दैट इज़ अराउंड 9 लाख रुपीज़। बट इसके अलावा जो है आप अगर मेन सीट के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टली आप सिर्फ एडमिशंस अभी करेंटली ले रहे हैं, सबकी फीस स्ट्रक्चर को 7 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ रही है। तो ये आपको चेकआउट कर लेना है, और पूरा इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए कि कैसा क्या लग रहा है सो वो आपको एडमिशन टीम हेल्प कर सकती है। अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, डिस्कस कीजिए हमारे ऑफिस पे, आप क्वेरीज आपका सॉल्व हो जाएगा। और फिर जो अगर आप एडमिशन में इंटरेस्टेड है तो मूव फॉरवर्ड करके एडमिशन एज सून एज पॉसिबल ले लीजिए। हमने बताया था कि WBJEE देना भी ज़रूरी है या फिर आपकी एडमिशन अभी आप करवा सकते हैं, तो उसके रिलेटेड वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल की सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।